इस क्वेश्चन में एलम इज अ डबल सॉल्ट, तो सही है कि K2SO4 पोटाश एलम है ना, तो ये एक एडिशन कंपाउंड है और डबल सॉल्ट में क्या है कि अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में है तो अपनी आइडेंटिटी इसमें कोई भी पार्ट अलग से नहीं रख पाएगा, इंडिविजुअल आयंस भी टेस्ट देंगे। तो पोटाश एलम मैंने यहां लिखा EDTA सॉल्ट, तो ये बात सही है कि जो है वो EDTA सॉल्ट ऑफ कैल्शियम यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो होता क्या है कि जो है वो इसका ये ऑफ कैल्शियम इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लेड पॉइजनिंग। तो ये Ca+2 के साथ जो कॉम्प्लेक्स है तो वो Pb+2 के साथ जो है वो कॉम्प्लेक्स होके और रिमूव इसमें हो जाएगा, तो ये इसका एप्लीकेशन है, तो ये सही है। फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की चर्चा की गई है, लाइक NiCO4, En देखें अपन, तो En का क्या फॉर्मूला होता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ द CMA मींस सेंट्रल मेटल एटम और आयन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय इट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन इट बाय थ्रू द लिगेंड। तो एटॉमिक नंबर ये हो गया, लॉस तो कुछ हुआ नहीं, और 4CO कार्बोनाइल लिगेंड है तो ये 36 नेक्स्ट इनर्ट गैस एलिमेंट के बराबर आ गया, और इन जनरल मेटल कार्बोनाइल में EN रूल जो है वो फॉलो भी होता है। अब इसके बाद मेरे को दिया हुआ है फेरोसाइनाइड जो है वो आयन FeCn6 -4, इसके EN को देखें आयरन 26, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए, EN का फॉर्मूला लगा रहे 6 × 2, तो दिस इज अगेन कमिंग इक्वल टू 36 टू द नेक्स्ट इनर्ट गैस एलिमेंट हीलियम नियोन आर्गन, उसके बाद क्या है क्रिप्टॉन 36, वो यहां पे फॉलो हो रहा है। फिर डी ऑप्शन है, तो ये भी मेरा करेक्ट है, लेकिन ये सब आंसर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों इनकरेक्ट पूछा है, क्लोराइडो ट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट इज इफेक्टिव हेट्रोजीनियस, नो इट इज होमोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस नहीं है, ये फैक्ट है, ये होमोजीनियस है। तो कुल मिलाके जो है इनकरेक्ट के हिसाब से डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।